मुख्यमंत्री जी अब तो शर्म करो, आपके दो दो मंत्री विधानसभा के, हमारे विधायक विधानसभा के प्रभारी, इंदौर के प्रभारी आदरणीय तुलसी सिलावट जी की विधानसभा और उषा ठाकुर जी मंत्री, वो दोनों लोग यहाँ दौरा करके गए, कलेक्टर खुद यहाँ दौरा करके गए, उसके बावजूद आज देखिए सेवकों जो अस्पताल के अंदर यहाँ ऑक्सीजन प्लांट निकाल के यहाँ से दूर भेज दिया, इसलिए कि हम कांग्रेस के लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं कि चालू किया जाए, परंतु आपको विश्वास दिलाओ जनता आपको माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री जी आप इंदौर भी नहीं आ रहे हो, इंदौर की जो ऑक्सीजन प्लांट है वो बंद करवाए जा रहे हैं, आदरणीय प्रभारी मंत्री विधानसभा उनकी विधानसभा है, उसके बावजूद सेवा कुंज से यहाँ बेड भी निकाल लिया गया, यहाँ के अस्पताल के जितने नर्स हैं डॉक्टर सबको बहा दिया गया है और यहाँ से ले जाकर सबको सेवा कुंज सुता अपने राधा स्वामी वहां शिफ्ट कर दिया, इसलिए कि ये कांग्रेस ने बोला था ये ऑक्सीजन प्लांट पूरा तैयार है, अस्पताल तैयार था, जनता देख रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको जनता माफ भी करेगी कि आपके मंत्री इंदौर के अंदर जो प्लांट चालू है अस्पताल चालू है उसमें पूरी सुविधा है, परंतु यहाँ समान पेशेंट भी भर्ती नहीं हो रहा है, उनके लिए सब हट गया है। यहाँ पे आप देखिए इंदौर की जनता ये आपके साथ कितना मूर्ख बनाया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जो मंत्री है और इंदौर के कलेक्टर द्वारा इंदौर के जितनी भी अस्पताल के अंदर सब व्यवस्था तहस नहस कर दी है, उसको खंडहर बना दिया है। आप आके देखिए ये कनेरा रोड पे 300 बेड का अस्पताल था, इसको ऑक्सीजन प्लांट भी हटा दिया है जो 3 दिन पहले लगा हुआ था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आपके प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी और उषा ठाकुर वो खुद यहाँ दौरा करने आई थी, उसके बावजूद ये आज कलेक्टर साहब दौरा घोषणा करने के बाद ये खंडर बन चुका है, ये आप जनता आपको माफ नहीं करेगी।